हे लव्स, वेलकम टू माय चैनल मिस्टिसिज्म बाय पूर्वा। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे हो गाइस। तो आज की रीडिंग है, नेक्स्ट 72 आवर्स की प्रेडिक्शन होगी। हम देखेंगे आपके पर्सन की नेक्स्ट 72 आवर्स की करंट फीलिंग्स आपके लिए, उसके साथ साथ नेक्स्ट 72 आवर्स में उनका नेक्स्ट एक्शन या नेक्स्ट मूवमेंट या नेक्स्ट एफर्ट्स आपके लिए क्या पॉसिबल हो सकता है, ये भी हम जानेंगे। सो एक टाइमलेस रीडिंग है, जनरल रीडिंग है, आप सबके लिए है, आप सब इसे किसी भी वक्त देख सकते हैं। पेड रीडिंग्स के लिए, बाकी डिटेल्स के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करें। सारे डिटेल्स, कॉन्टैक्ट डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। वीडियो में भी आप लोग मेरा नंबर देख पा रहे होंगे। सो चलिए बिना किसी देरी के हम स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग को। तो जब तक मैं शफलिंग कर रही हूँ, आप लोग प्लीज पॉजिटिव रहिएगा एंड फोकस बनाकर रखिए। जिस भी पर्सन के करंट फीलिंग्स फॉर द नेक्स्ट 72 आवर्स आप जानना चाह रहे हो। We have six chakra archangel Metatron number 14. We have attachment number 5. We have fifth chakra archangel Gabriel number 39. Okay, so आपके person की next 72 hours की energy मुझे healing वाली नजर आ रही है। मुझे लग रहा है कि उनके personal जो issues हैं, ठीक है, और उनके soul level पे जो चीजें stuck हैं उससे वो कहीं ना कहीं निकल रहे हैं। तो किसी ना किसी तरीके का टॉक्सिक अटैचमेंट से, थर्ड पार्टी इन्फ्लुएंसेस से, किसी की ब्रेन वॉशिंग एनर्जी से ये पर्सन निकलते हुए मुझे नजर आ रहे हैं, ठीक है। इनके हीलिंग स्टेट में जाते हुए, इनके चक्र अलाइनिंग स्टेट में जाते हुए आपके पर्सन मुझे नजर आ रहे हैं नेक्स्ट 72 आवर्स में। सो अगर आप दोनों के बीच में कोई थर्ड पार्टी था या कोई भी नेगेटिव इन्फ्लुएंसेस थी या फिर किसी की ब्रेन वॉश करने की आदत थी, तो वो इंसान, वो एनर्जी इनके लाइफ से हट रही है। टॉक्सिक अटैचमेंट्स से आपके पर्सन कहीं ना कहीं निकल रहे हैं एंड एक अलाइनमेंट स्टेट में आ रहे हैं नेक्स्ट 72 आवर्स में, जिसके चलते ये पर्सन पहले से ज़्यादा एक्सप्रेसिव हो पाएंगे, पहले से ज़्यादा सही गलत में डिफ्रेंशिएट कर पाएंगे, अपने सोच विचार को प्रायोरिटाइज कर पाएंगे एंड खुद सही डिसीशंस ले पाएंगे, जो ये कहीं ना कहीं अब तक मिस कर रहे थे, नहीं ले पा रहे थे ढंग का डिसीशन एंड ऑल, ठीक है। तो ये चीज यहां पर दिख रही है। और भी कार्ड्स देखते हैं। क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, द एम्परर, स्ट्रेंथ। सो यस, पॉजिटिव माइंडसेट में रहेंगे आपके पर्सन नेक्स्ट 72 आवर्स में। उनको ऐसा फील होगा कि यू नो, अब उन्हें कहीं ना कहीं लाइफ में सही डिसीजंस लेने हैं एंड कहीं ना कहीं अब इस रिश्ते को लेकर भी सीरियस होना है। इनको सीरियस तरीके से आगे का सोचना है, सीरियस तरीके से कमिटमेंट में आना है एंड इस रिलेशनशिप को एज अ पार्ट ऑफ लाइफ देखना है। इस रिलेशनशिप में अब किसी भी तरीके की कैजुअल एनर्जीज को एग्जिस्ट नहीं रखना है। तो आपके पर्सन के दिमाग में ये चीज चलेगी कि जो चीज उन्हें करनी है अब करनी है, अब एग्जीक्यूट करनी ही है। इस रिश्ते को लेकर सीरियस होना है, इस रिश्ते को लेकर फ्यूचर प्लानिंग्स करनी है एंड इस रिश्ते में कमिटमेंट में आना है, ठीक है। इस रिश्ते से भागना नहीं है, इस रिश्ते को बीच में रोककर झुलाकर नहीं रखना है और ना ही खुद कंफ्यूज स्टेट ऑफ माइंड में रहना है। तो बहुत ही ज़्यादा मुझे लग रहा है कि अपने एनर्जी में रहेंगे आपके पर्सन नेक्स्ट 72 आवर्स में एंड जो भी चीज़ उन्हें रोक रही है उसके अगेंस्ट ये एफर्ट्स डालेंगे, एक्शंस लेंगे, सो दैट जो चीज़ उन्हें आपके करीब आने से रोक रही है वो चीज़ एग्जिस्ट ना करे और आपके करीब आ पाए, वो आपके साथ फ्लो से आगे बढ़ पाए एंड आपको और आप दोनों के बीच के प्यार को वो अप्रिशिएट कर पाए, ठीक है, रिस्पेक्ट कर पाए। तो ये चीज़ यहाँ पर मुझे दिख रही है। We have five of pentacles, we have knight of swords. तो definitely मुझे यहाँ दिख रहा है कि existing struggles, mental conflict से आपके person निकल रहे हैं next 72 hours में, ठीक है। तो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि next 72 hours में बहुत कुछ change हो रहा है इनके personal life में, जो कि necessary है so that वो आपके साथ positivity and healthy way में रिश्ता continue कर सकें, ठीक है। Problems इनके life से हट रहे हैं and third party definitely is getting out if existing. We have the rebel. Next 72 hours में आपके person definitely आपके towards कुछ ना कुछ next movement लेंगे, जैसे कि आपके behalf में बात करना, आपके लिए stand लेना या फिर आपके तरफ वापस आना, come back करना आपके life में, आपको contact करना, message करना, ठीक है।
या थर्ड पार्टी को अगर निकालने की ज़रूरत है तो उनको अपनी ज़िंदगी से खुद हटाना, डिसाइड करना कि आई डोंट वॉन्ट देम एनी मोर। ठीक है, तो इस तरीके की चीज़ें आपके पर्सन नेक्स्ट 72 आवर्स में करते हुए मुझे क्लियरली नज़र आ रहे हैं। ठीक है, वी हैव आई वॉन्ट यू, डेफिनेटली नेक्स्ट 72 आवर्स में उनका दे विल मेक श्योर कि वो आपके पास आए, आपके साथ रिश्ते को आगे बढ़ाएं, क्योंकि उन्हें ऐसा समझ आ जाएगा नेक्स्ट 72 आवर्स में कि वो आपको चाहते हैं, आपको चाहते रहेंगे। तो सिचुएशन को अब उन्हें बेहतर बनाना ही होगा, वो इस तरीके से एज इट इज नहीं रख सकते। ठीक है, आई लेफ्ट यू बिफोर यू कुड लीव मी, तो कहीं ना कहीं फील करेंगे आपके पर्सन नेक्स्ट 72 आवर्स में कि इनकी इनसिक्योरिटीज़ बेवजह की, बहुत बार इन्होंने अपनी इनसिक्योरिटीज़ की वजह से रिश्ते को बर्बाद करा है, आपसे दूर गए हैं, लेकिन अब नहीं, अब वो मैच्योर होना चाहते हैं, वो स्टेबल होना चाहते हैं, एंड वो चीज़ कहीं ना कहीं यूनिवर्सल तरीके से भी ये हील होंगे, तो जो चीज़ वो फील करेंगे उस चीज़ को वो ईजिली एग्जीक्यूट भी कर पाएंगे, दिल की चीज़ों को वो एक्सप्रेस भी आपसे कर पाएंगे। ओके, जस्ट बींग नियर यू इज इंटॉक्सिकेटिंग, तो कहीं ना कहीं आपके पर्सन नेक्स्ट 72 आवर्स में फील करेंगे कि चाहे जो भी सिचुएशन हो जाए, आप दोनों एक दूसरे के हो, ठीक है, और आप दोनों एक दूसरे के प्यार हो, तो उन्हें बाकी चीज़ों को ध्यान देना ही नहीं है। यू डोंट नो हाउ हार्ड इट वॉज टू लेट यू गो, तो डेफिनेटली अगर सेपरेटेड हैं, अलग रह रहे हैं आप, तो नेक्स्ट 72 आवर्स में वो रियलाइज़ करेंगे कि कोई भी चीज़ आप दोनों को अलग नहीं कर सकती, अगर कर सकती है तो वह उनका खुद का दिमाग, खुद के लाइफ के चॉइसेस, तो वो कहीं ना कहीं उन सारी चीज़ों को सुधार करना चाहेंगे, फिक्स करना चाहेंगे। सो गाइस, ये थी आप लोगों की रीडिंग, आई होप आपको पसंद आएगा, पसंद आए तो प्लीज़ टू लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब। मैं मिलती हूँ आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में गाइस, तब तक के लिए बाय बाय।